राधे कृष्ण। आज हमने खेत पर भूसा बनवाया है और ये खेत हमने कंपाइन से कटवाया था, तो अब भूसा बन रहा है और ये भूसा इसमें डाल दिया जाता है। इसे ना बुर्जी बोलते हैं। ये ट्रॉली जो घेर से सटाती है इसको घेरा बोलते हैं। जो ये बन रहा है इसको ऐसे इसमें से भूसा इसी में चला जाएगा। तब थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो इसे पल्ली में जो इकट्ठा करके पोटली बना करके डाल देंगे। इसमें भूसा डाल दिया है और अभी रीत पर चल रहा है, भूसा बन रहा है। ये हमारा कमरा जो बिजली लगी हुई है समरसेबल, और उधर जो रीपर में गेहूँ निकलता है मम्मी उन्हें साफ कर रही हैं, और वो रीपर में रीपर से भूसा बन रहा है। ये खेती पूरी हो चुकी है ट्रॉली। वैसे इसका भूसा काफी अच्छा रहता है, इसमें ना एक तो तीकुर नहीं आता जो पशुओं के मुंह में नहीं अटकता, और एक ये हल्का रहता है, इसमें गांठ वांठ नहीं आती, बहुत हल्का होता है ये भूसा।
ये सारे काम बड़े बड़े ट्रैक्टरों से ही होते हैं। अगर रीपर में चलेगा तो बड़ा ट्रैक्टर ही चलता है, अगर इस तरीके से ट्रॉली को खींच के ले जाए तो छोटा ट्रैक्टर काम कर देता है। ये ट्रॉली भी वहाँ भुर्जी से लगाई दी जाएगी तो भूसा पूरा उसी में हो जाएगा। इस तरीके से टंकी में गेहूं डाले जाते हैं। पहले हमने कंपास के खुद पकड़ायो जिन्होंने भी हिंदू हमें रीपर के घुस बनवाए के और बुर्जी बांध लाए और छाया है जो खेत हमने बाद में और कटवाया और अब आदमी जो है गेहूँ टंकी में डाल लाए बाकी खेत भरा आगे फालतू ना रात भाई तो घर के कीड़ा मकोड़े सर जाता है। ये खट्टे कर रखे हैं गेहूं ये त्रिपाल है इन पर गेहूं खट्टे किए थे इसलिए ये यहीं पर हैं। इनको खेत पर रखने जाएंगे ट्यूबवेल पर और ये अंदर गेहूं है ये इकट्ठे किए थे लेकिन वजन के वजन से गिर गए। नानी जी बर्तन साफ कर रही हैं नवरात्रि चल रहे हैं अभी भैंसों को लाने का टाइम हो गया है। अभी नव दुर्गे चल रहे हैं इसलिए हमने अखंड ज्योति जलाई है। ये गुलहड़ के फूल हैं
ये कलश है, ये ग्यारिया है, ये इसका फूल आ गया, इसको ला रहे हैं। ये आइसक्रीम लाए हैं गोले वाली। मौसी जी आइसक्रीम खा रही हैं। बाकी सभी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। आज तो पूरे घर में सामान इधर उधर फैला हुआ है। अभी खेत से आए हैं, ये गेहूं ट्रॉली में से खिलाए थे, अभी इन्हें टंकी में डाल रहे हैं। आज तो बहुत सारा काम है।